तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप छत्तीसगढ़ी डीजे रिमिक्सिंग के लिए आप फिलर ब्रेक कैसे बना सकते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप डीजे अगर मिक्सिंग करते हो तो आपके गाने के अनुसार, हर गाने के टेम्पो के अनुसार आपको ब्रेक या फिलर नहीं मिलता है। लेकिन आप गाने को अच्छी क्वालिटी में मिक्स करना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में मैन्युअली तरीके से ब्रेक बनाना पड़ता है। क्योंकि आप ब्रेक जब तक डालोगे नहीं तब तक कोई भी गाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेक ही एक जान होती है, फिलर ही एक जान होती है, जो गाने में आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस लाता है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जसवंत कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेके संगीत प्रोडक्शन। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेंगी डीजे रिमिक्सिंग से रिलेटेड और रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। तो गाइस, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और एक बात और कहना चाहूँगा भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे यार, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं चैनल 6000 के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन बढ़ ही नहीं रहा सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा देख के भाग जाओगे तो नहीं सीख पाओगे, पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्योंकि जो ये पेचीदा चीज़ें होती हैं ब्रेक और फिलर क्रिएट करना डीजे मिक्सिंग में, ठीक है। अब चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, और देखिए मैंने जैसे उस दिन बना करके रखा था पैटर्न, मैंने सेम उतना ही पैटर्न बना लिया है। और आज का बस यही है वीडियो में, आपको मैं यही बताऊंगा कि आप उसमें फिलर और ब्रेक किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार का पैटर्न बना के रखा हुआ है, जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ था कि आपको डीजे ट्रैक कैसे बनाना है सीजी वाला। तो यहाँ पर मैं आपको अब फिलर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं प्ले करता हूँ, आप इसको एक बार सुन लीजिए। ठीक, आपने सुना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो की का जो बज रहा है, किक को नीचे ले आता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ये खाली हो रहा है, यहाँ पर ना एक अलग सा बजता है, ड्रम टाइप का सेटअप रहता है, ठीक है। वो यहाँ पर ऐसे लगेगा, यहाँ पर एक खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हमको लगाना है, तो मैं किक को, सभी किक लाइन को नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी जाए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ नीचे। अब देखिए, यहाँ पर ये खाली है, यहाँ पर कुछ लगेगा, ठीक है। और वो क्या लगेगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक फिलर लगेगा। तो यहाँ पर मैं पैटर्न ले लेता हूँ, मैं कैबिनेट में 5 पैटर्न बनाया हूँ, तो छठवें पैटर्न पर जाता हूँ। और यहाँ पर मैं एक सैंपल को लूँगा, और वो सैंपल ये वाला है, आप आपके पास होगा ये सैंपल पैक, ठीक है। ये टॉम करके है, 707 टॉम। तो इसको मैं करूँगा क्या कि इसको पियानो रोल पे जाऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर इस चुंबक में क्लिक करने के बाद 1/3 पे आपको भी कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर हमको कौन सा ऑप्शन को चूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है जो C6 है, इसका ऊपर वाला जो वाइट वाला है, यहाँ पर से आपको इसको किक को लेना है, मतलब फिलर को लेना है। तो यहाँ पर मैं कैसे करूँगा आप भी उस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लास्ट में बनाना है, तो इसी लाइन में हम एक ऐसे कर लेते हैं, या इसको ऐसे लेते आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर देंगे तो ये आपका नहीं बन पाएगा, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक मैं ऐसे उदाहरण के लिए एक ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, और एक ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि हमको ये समझ में आए कि हमको कितने लाइन में इसको बनाना है, ठीक है। अब इतना मैं कर लिया, अब यहाँ पर हमको सिर्फ 4 लाइन लेना है। देखिए, एक लाइन ये गहरा वाला है, एक ये है, इसके अंदर हमको 4.5 लाइन में बनाना है, 1, 2, 3, 4 ये हुआ। तो हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, पूंछ को ऐसे, 1, 2, 3, 4 हुआ। अब इधर से भी गिन लेते हैं, इधर से भी 4 लाइन खुलना छूटना चाहिए, 1, 2, 3, 4 आ रहा है यहाँ पर। तो अब हमको इसको करना क्या है कि अब आप इसको देखिए, अब हम इसको ए यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ना, जिसे अच्छे से देखिएगा ध्यानपूर्वक। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब इसको हम एक यहाँ कर देंगे, तो 4 लाइन इधर से बच रहा है, 4 लाइन इधर से बच रहा है। अब हमको करना क्या है, ठीक है, इसको इधर से हटा देते हैं पहले, हमको इसको बीचों बीच से यहाँ यहाँ से इसे काटना है। तो यहाँ से इसे कम तो होगा नहीं ये,
तो करना क्या है, ये जो बीच लाइन दिखा रहा है यहाँ से एक ठो बीच में से कट करना है कि यहाँ से करना है, साढ़े चार लाइन इधर साढ़े चार लाइन इधर, ठीक है। तो हम इसमें जाएंगे, इसमें हम कर लेंगे नन पे क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे बीचों बीच में काटें, तो ये दोनों लाइन को देखिए, ये जो दो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको बीच में ऐसे कीजिए, इतना कीजिए। इधर से भी आपको दिखता होगा, अंदाजे से कीजिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पता नहीं चलता है इसमें। तो यहाँ पर अंदाजी हमने देख लिया कि यहाँ पर ये इसके और इसके बराबर पे है बीचों बीच पे, तो यहाँ पर भी हमको इसे कट करना है। तो यहाँ पर सीधे पीछे से बैक होता नहीं है, तो हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे और एक कटर लेंगे और बीचों बीच में जो लाइन हमारा आएगा, देखिए यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिए, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको 1/3 पर फिर जा कर देखते हैं क्या सही कटा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों हमारा एकदम परफेक्ट कटा है, एक एक दो तीन चार, साढ़े चार लाइन इधर से और इधर से, एक दो तीन चार साढ़े चार लाइन इधर से, तो एकदम ये परफेक्ट कटा है। हाँ तो दोस्तों देखिए अब आपको करना क्या है कि हमने इसको तो सेट कर लिया और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पर भी सेम लाइन पे लगा देंगे, इसको ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर से बीचों बीच में ला के छोड़ देंगे। 1/3 पर रहेगा तो ऑटोमेटिक ये बीचों बीच पर आ जाएगा, जैसे कि एक दो तीन चार साढ़े चार पे था तो यहाँ पर भी साढ़े चार में आ गया होगा, देख लीजिए एक एक दो तीन चार, ठीक है। अब आती है बारी यहाँ पर बीच में लगाने के लिए और यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसी पे एक बार ऐसे क्लिक करेंगे और एक बार इसके ऊपर में ऐसे कर देंगे, तीन लाइन पे इसको रखेंगे क्योंकि तीन लाइन का आपका ये वाला बना हुआ है, और इसी को जस्ट इसके नीचे करेंगे। तो इसके नीचे आ नहीं रहा, देखिए इसे भाग रहा है ये, तो हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पर जाने के बाद हम इसमें नन पे कर लेंगे और इसके जस्ट नीचे ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऐसे कर लिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आती है बात की ऐसा फील नहीं देगा अभी भी है, तो सुन के देख लीजिए एक बार, तो ये देखिए दोस्तों अभी भी वैसा ही फील नहीं दे रहा था। हमको करना क्या है कि जो नीचे ये आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है इसको हल्का ऐसे नीचे कर लेंगे, इसको भी हल्का ऐसे नीचे, और ये ठीक है, इसको हल्का ऐसे ऊपर, ठीक है। अब सुनिएगा, तो ये अच्छा लग रहा है आप सुनने में, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि ये वाला जो लाइन है यहाँ पर इसको ऐसे लगा देते जाना है आपको, जो ये खाली दिख रहा है बीच बीच में, तो अब इसको सुनिए कैसा ये लग रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने इसको बता दिया, ये हमारा फिलर जो तैयार हो गया। अब आते हैं ब्रेक पे, तो आपको ब्रेक कैसे बनाना है उसको भी देखिए ध्यानपूर्वक। अब आगे ठीक है, हम जाएंगे 7 नंबर का पैटर्न लेंगे, हमको यहाँ पर एक ऐसे पैटर्न खाली पैटर्न लगा लेते हैं, और ठीक है यहाँ पर हमने इसको ऐसे लगा लिया है। अब यहाँ पर हमको कौन से सैंपल को लेना है, ऐसे 94 करके एक बना होगा इसको लेना है, इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे कि थोड़ा साउंड हमको तेज़ आए, ठीक है। अब आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है पियानो रोल पर, करेक्ट है, पियानो रोल पर हमको आ जाना है। हाँ तो दोस्तों अब आप करना क्या है कि आपको इसमें से कौन से लाइन पे बनाना है, तो आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर आपको C5 ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसमें बनाना है, इसका भी आपको लेना है 1/3 पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसको लाइन को आपको गिन लेना है, ठीक है, एक दो तीन चार, चार छोड़ करके हमको यहाँ पर इसे लगाना है और इसको रखना है साढ़े तीन, साढ़े तीन मतलब लाइन के में रखना है इसको, जैसे कि एक दो तीन चार हुआ, चार के बाद इसको गिन लेंगे अब कितने लंबा है इसका लंबाई, तो एक दो तीन हुआ। अब इसको हमको आधा बीच से इसको काटना है, तो हम इसको हम इसमें ऐसे कर सकते हैं और ऐसे सारी दोस्तों इसको हम ऐसे नन में ही कर लेते हैं ताकि अच्छे से पता चले हमको। तो यहाँ पर आने के बाद हम इसको ऐसे कट कर लेंगे, अब ये साढ़े तीन पे कट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं तो बिल्कुल करेक्ट हुआ है, देखिए एक दो तीन साढ़े तीन पे कटा है। अब देखिए अगला जो आपको लगाना है वो आपको ढाई लाइन पे लगाना है, आपको ये लाइन दिखाई दे रहा है ना ये मेन, इसमें एक बार ऐसे लगाएंगे और इसको आपको ढाई लाइन पे काटना है, जैसे कि एक दो ये अढ़ाई, यहाँ पे बीच से कटेगा ये। तो आपको इस करना क्या कि फिर से आपको नन में चले जाना है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, इसको ऐसे हम अंदाजी काट लेंगे और देख लेंगे कि ये सही कट रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों ये एकदम परफेक्ट कटा है, देखिए एक दो ढाई पे कट गया है ये कटा। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको ये दो लाइन दिखाई दे रहा है इसके आगे, इसको छोड़ करके यहाँ ऐसे लगाना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगाए
और ये हुआ ऐसे, दो लाइन छोड़ कर लगाएंगे और इसको ऐसे बीच से काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से इसको शिफ्ट दबाएंगे और इसको आप कॉपी करके एक लाइन छोड़ के ऐसे कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप करेंगे और देखिए आपका ये रेडी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये साउंड आपको अगर कम लगे तो आप इसको ऐसे चाहे तो यहाँ सबसे बाहर लोग को ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसका जो लेवल है इसका, तो आप इन्हें ऐसे ऐसे बढ़ा करके आप इसका साउंड को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा लग गया है। अगर हम इसको यहाँ पर फिर से कॉपी करके आगे करें तो देखिएगा कैसा ये लगता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ब्रेक हमारा अभी तैयार नहीं हुआ था। हम जाएंगे आठवें नंबर पर और यहाँ पर आने के बाद इसको ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि आपको कॉपी कर लेना है 2, 3 या 4 नंबर किसी के भी पैटर्न को, आप चाहें तो यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर का पैटर्न को मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ कॉपी, और 7वें नंबर पर मैं फिर से चला जाता हूँ, सॉरी 8वें नंबर पर। अब यहाँ पर आने के बाद हमको फिर से इसी पैटर्न सिंपल को लेना है 94 इस वाले को। इसमें आने के बाद इसको हम इसे पेस्ट कर देंगे, ऐसे हमने इसको पेस्ट जैसे किया। और यहाँ पर आपको करना क्या है, एक बार इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे सटा देंगे और एक इस लाइन में ऐसे लगा देंगे, इसमें भी ऐसे लगाएंगे और ये ऐसे हुआ। अब इतना कर देने के बाद आपको करना क्या है कि एक लाइन को छोड़ के इसको इस लाइन से इसको एक बार ऐसे नीचे कर देना है, उसके बाद इसको छोड़ के इतने को ऐसे एक बार नीचे कर देंगे और लास्ट में जो बचेगा इसको भी एक बार ऐसे नीचे कर देंगे, तो आपको इस टाइप के सुनाई देगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का ये ऐसे लग गया है। आप इसको चाहें तो इसमें एक और सिंपल का यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम ये वाले सिंपल को, इसको भी यहाँ पर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से फील मिलेगा। अब सुनिए हमारा ब्रेक तैयार हो गया है, आपको मैं शुरू से सुना देता हूँ ताकि देखिए दोस्तों ये इस तरीके से आप ब्रेक को भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, बताइएगा नीचे कमेंट में। बाय बाय।